स्टूडेंट यहाँ पर एक रैचल नाम का स्टूडेंट है। एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में वह एक इंजीनियर है और उसको एक मॉडल बनाना है। मॉडल में को ऐसे बनाना है कि वह सिलेंड्रिकल पार्ट पर के दोनों एंड पर दो कोन एडजस्ट करता है। कोन का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर सेम है। कोन के दोनों कोन, यहाँ जो ये कोन और ये दूसरा वाला, इसका की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। टोटल जो यहाँ से ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के टोटल हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है। रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि इस प्रकार का जो वेसल बनाया जाएगा उसमें कितना एयर ट्रैप होगा, उस एयर की वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर, मैं ये नोट कर दूं यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन वेसल क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड या टोटल वॉल्यूम ये फाइंड करेंगे। अब आ जाइए यहां पर कोन के लिए। पहले हम यहां पर लिख दें डायामीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ बेस कितना हो जाएगा, डायामीटर अपॉन टू, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3/2। हाइट ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपने यहां पर लिख दिया वॉल्यूम ऑफ एयर इन ईच कोन इज इक्वल टू, फार्मूला जाएगा 1/3 πr² h। ये फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। इस 1/3 को यही रखो, पाई के लिए 22/7, आर स्क्वायर के लिए 3×3=9/2 कर लेंगे और h के लिए यहाँ पर 2×2=4 जाएगा। ठीक, 3/7। ठीक, और अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर दें, पाई को पाई ही रख दें तो बेहतर है, अभी कटेगा नहीं है, तो इसको आप पाई का पाई कर दो। देखो यहाँ पर हो जाएगा पाई और 3×3=9, 2×2=4 इंटू 2 cm³। अब यहाँ से 3×3=9 हो गया, 2×2=4 हो गया, 3/2 πcm³। 3/2 πcm³ एक कोण में आएगा। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ एयर इन टू कोन्स के लिए जाएगा 3/2 π × 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जाएगा 3 πcm³। इन दोनों कोन में 3 πcm³ एयर कंटेन हो जाएगा। अब यहां पर आ जाइए आप हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है, 12, और 12 से 2 ऊपर से 2 नीचे से, तो यहां पर जाएगा 2+2, दिस इज 8 सेंटीमीटर। राइट, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3/2 cm। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर फॉर्मूला होता है πr² h, पाई को पाई रख दीजिए, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, आर के लिए 3/2 होल स्क्वायर एंड h हमारे पास कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई, 3×3=9, 2×2=4 एंड दिस इज 8, 4×2=8, 9×2=18, 18 πcm³ इसका हो गया। आपको फाइंड करना है कि इस कंटेनर के अंदर, इस वेसल के अंदर कितना वॉल्यूम एयर का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर
वॉल्यूम ऑफ एयर इन कंटेनर इक्वल टू टोटल वॉल्यूम आपको 3 pi प्लस 18 pi सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप प्लस करेंगे तो 21 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा, 21 पाई सेंटीमीटर। तो हम यहां पर नोट कर देते हैं 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस 21 के लिए यहां पर रखो और यहां पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 3 जा जाएगा और 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब जो एयर होगा उसमें उस कंटेनर में आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से जरूर उनको भी मोटिवाई करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप खुद अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग।